ये एक मैसेज है पाक और नापाक पे, कि हम जैसे कोरोना वायरस में काफी लोग कहते हैं कि हम तो वजू करते हैं, हम तो पाक रहते हैं, हमारे हमें थोड़ा ही ना कोरोना वायरस। तो ये एक मैसेज है। आपसे एक बात पूछनी थी जी, पाक और नापाक के ऊपर कुछ बताना जरा समझेगी। जैसे हम वजू करते हैं और नहाते हैं तो उसमें हम पाक हो जाते हैं, और कहाँ तक ये बात सही है? कायनात अच्छा जनाब, इन्होंने ये सुन लिया है आपने मैसेज को, क्या रिपीट करूं और आगे मुझे और भी बताना है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पाक नापाक का जहां तक चक्कर आता है, तो इस दुनिया में कुछ भी नापाक नहीं, कुछ भी पाक नहीं है। अब मेरी थ्योरी को लोग बहुत सारे इतराज करेंगे, कहेंगे कि ये तो पागल है बंदी, तो ठीक हूं मैं हूँ, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब मैं आपको इसकी साइंटिफिक वजह बताऊंगी जो मैं कह रही हूँ, कि मैं क्यों कह रही हूँ। आपने अभी बाथरूम गए, आपने पोटी पेशाब कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने वजू वजू कर लिया, वजू करने के बाद आपने अपनी इबादत कर ली, ठीक है। अब ड्यूरिंग इबादत आपकी नलियां जो हैं, अगर पोटी नहीं तो पेशाब तो एक एक ड्रॉप बनाती हैं। ये मैं प्रैक्टिकल कर ऑब्जर्वेशन की बात बता रही हूँ आपको, कि एक एक ड्रॉप हर लम्हे बहुत बारीकी से आपके जिस्म में पेशाब बनता है, क्योंकि पेशाब बार बार आता है ना, आप पानी पीते हैं, तो आपकी बॉडी मुसलसल यानी जिस्म के अंदर के हिस्सा ही गंदा है, तो आप पाक कब होंगे? अब उन्होंने पूछा है कि पाक नापाक होता क्या है। तो पाक जो होती है आपकी सोच होती है, और जब आप सोचेंगे पाक, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, कोई आपके जहन में ऐसी बात नहीं आती नापाक की। नापाक बात यह होती है कि आप दूसरों के लिए बुरा सोच रहे होते हैं, गलत सोच रहे होते हैं। अगर दूसरों के लिए नहीं सोच रहे, तो अगर आप अपने लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको नुकसान दे, तो वो नापाक होता है। तो सोच, एक एक ड्रिप आपके बॉडी में, आप कभी भी पाक नहीं होते, हो ही नहीं सकते। आपको कुदरत ने इजाजत ही नहीं दिया कि आप पूरी तरह से पाक हो जाए। आपने अभी वजू किया और अभी ड्रिप बन गया बॉडी के अंदर, नालियों के अंदर, तो पूरी बॉडी गंदी। बाहर पेशाब लग जाए हमारे पाओं पे, तो हम हाथ तो धो लेंगे, वो साफ हो जाएगा, लेकिन अंदर जो ड्रिपिंग हो रही है पेशाब की या पोटी की, वो कहाँ से? आप नालियां काट देंगे पेट की, और अगर आप पोटी पेशाब भी नहीं करेंगे तो आप इंसान ही नहीं होंगे, फिर तो दरख्त हो जाएंगे ना, तो सिर्फ पियेंगे और ऊपर की तरफ ऑक्सीजन छोड़ के आप अपना काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो कभी भी इंसान की जिस्म कभी भी पाक नहीं होता, कभी भी। साफ हो सकता है बाहर से, पाक नहीं हो सकता। पाक होता है तो आपका दिल और आपकी सोच, अगर वो सही है तो आप पाक हैं। जो नेचुरल पोटी पेशाब है, उसने हमारे ऊपर पेशाब कर दिया, अब मैं नापाक हो गया हूँ। ये बहुत ही घटिया, फुरसुदा, बेवकूफाना बात है, साइंटिफिक बात नहीं है। जो भी इंटेलिजेंट बंदा होगा वो इस बात को इनकार नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को छोड़ दें। हाँ, आप जिस्म साफ करें, फ्रेशन अप हो, नहाए धोएं, ये इट्स गुड थिंग फॉर योर हेल्थी लुक, एंड जो आपका माइंड आपको ग्लो करता है, आप हल्का सा महसूस करते हो, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट पाक नापाक नहीं होता, नापाक नहीं होता बंदा। मैं फिर बता देती हूँ कि नापाक सिर्फ अपनी हरकतों से होता है और अपनी सोच, पहले तो सोच आती, फिर बंदा हरकत में बरकत डालता है, तो फिर नापाक हो जाता है। तो एक्चुअली इसका ये मतलब है पाक नापाक। वजू इसलिए करवाया जाता है कि आप तैयार रहें कि इस वजू के दौरान आपने कोई नापाकी वाली बात, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए गलत, किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं करना जिससे आपका वजू टूट जाए, ये पाकी होती है, ठीक है। मैं अभी फिर आपको अगला, फिर पता नहीं कितने सवाल हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि सारे डालूं ताकि वन बाय वन आप लोग ये सारे देख सके, ठीक है।